अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं मेरे सब दोस्त? देखने वाले जहाँ भी रहें ठीक रहें। मेरे सब दोस्त बहन भाई जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ भी आप सबको ईद मुबारक और रोज़ों का भी मुबारक। माशाल्लाह आज जो है माशाल्लाह ईद का दिन है। काफ़ी दोस्त जो हैं जा रहे हैं इधर ही, साथ ही हमारे ईद पढ़ाई जाती है। ये गांव का माहौल है, तो आज हम आपको गांव के दिखाएंगे कि कैसे ईद पढ़ी जाती है। तो हमारे साथ रहिएगा। तो डिपेंड करते हैं, अहमद रज़ा भी मेरे साथ तैयार हो गया है। अबे अबे तैयारी की अबे कहाँ वाले हूँ कह ले जुलूँ हैं। चलो ये बात की नो तिवाल जुलते हैं से। ये देखो अभी ईद के लिए नहाने जा रहे हैं काफ़ी लोग। ये हमारे ये गांव की जगह है ना, तो इधर आगे जो है ना पढ़ाई जाती है, उधर हम आप जाते हैं अभी पढ़ने के लिए। तो फिर हम आपको दिखाएंगे अभी। तो माशाल्लाह अहमद रज़ा बिल्कुल हैं, हिट हो गया अहमद रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज कितनी बहुत खुशी का दिन है, ईद है। ईद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रोज़े भी रखे हैं। वो देखते हैं माजिद भी तैयार हो रहा है कि नहीं। ये भी हमारा छोटा भाई है, और दूसरा जो इससे थोड़ा बड़ा है वो माजिद, वो भी अभी तैयार हो रहा है। वो भी अभी माजिद भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? ठीक हो? सबको ईद मुबारक। अब हम ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। और तबीयत सब ठीक है सबकी? आपके रोज़े कैसे रहे? अल्लाह पाक सबके रोज़े कबूल करे। मैंने भी रखे, आप ही हमारे लिए दुआ करना कि इंशाल्लाह हमारे रोज़े कबूल हों। इतकाफ भी किया 3 दिन का, सही, तो अगर आपने भी किया हो तो इंशाल्लाह आपका कबूल करे अल्लाह पाक, रोज़े भी कबूल करे, तरावी और नमाजियाँ भी इंशाल्लाह। रात 11 बजे तो पता लग गया ही था। हाँ जी, हमें रात 12 बजे 11:30 बजे ऐलान हुआ था ईद का, तो हम इतकाफ़ में बैठे थे 12 बजे। फिर कारी साहब ने हमें इजाज़त दी थी कि आप अब घर चले जाएँ, सुबह इंशाल्लाह ईद की तैयारी भी करनी है, तो हम घर आ गए थे इंशाल्लाह। चलो सही है, तो अभी ईद नमाज़ पढ़ने जाएंगे, तो हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि हमारे गांव में किस तरह ईद पढ़ाई जाती है। तो सारा हम अपना माहौल दिखाएंगे, क्योंकि हम भी गांव में रहते हैं, हम कोई इतने ख़ास कोई ऐसी जगह पर नहीं रहते, गाँव के लोग हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलते हैं अभी, अभी बाबा को भी साथ लेके जाना है। अभी वो जो है ना वो जानवर जो है ना दूसरी तरफ वो खिला के ना चारा, तो दूसरी तरफ बांध रहे हैं बाबा हमारे अबू, तो उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। तो हम बातें शातें भी और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ रहिए। अभी जो है हम ईद वाली जगह पे पहुँच रहे हैं, देखें काफ़ी रश हो रहा है इधर ही बहुत सारा, क्योंकि ये गाँव की ईद है ना, तो इधर रश बहुत। देखें लोग पैदल चल के आ रहे हैं, पीछे देखें। अभी इधर आगे वाला फ्रंट वाला बैक कैमरा खोलता हूँ, देखें। अभी तो हम जाएंगे ईद नमाज़ पढ़ेंगे, बाद में ये छोटा सा ये शहर सा लगा हुआ आता है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें अभी ये इधर बच्चों के, हाँ हाली उठे जरूर ईद नमाज पढ़ गिनो ना। अभी देखें हमारे ये गांव की जो है ना ये दरबार है, तो इधर ही जो है ईद नमाज पढ़ी जाती है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ईद पढ़ने के लिए, और वैसे भी कुछ खाने और पीने के लिए भी इधर आते हैं। हाँ मामा, क्या हाल है तेरा? ठीक हो? खुश? अभी ये भी हमारा, पहले हमने एक वीडियो भाई माजूर की बनाई थी, वो भी हम अपलोड जल्द करेंगे। आज ईद का मौका है ना, तो बाद में हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी देखें इधर कोई पकोड़े बना रहा है। अभी तो हम जाएंगे जो अभी जो हम जाएंगे ना, तो पहले ईद नमाज पढ़ेंगे, बाद में इधर कुछ खरीदो फरोख्त करेंगे। हाँ वो क्या वापस वापस गिन तू, वो पढ़ गिनो ना ईद। अभी देखें ये है गांव की ईद है भाई। गिलास,
ये देखें पकोड़े बनाए हुए हैं। इधर जो है उस साइड पे जो है वो बड़ा गोश्त करते हैं, लोग खरीदते हैं। देखें इधर भी बहुत रश हुआ है। इधर देखें ये बड़ा गोश्त। अभी ये दरबार का ये हिसाब होता है ना, तो फिर इधर ऐसे ऐसे बड़े जानवर का गोश्त आके ज़िबा करते हैं, तो फिर लोग आगे इधर से ख़रीदते हैं। ये गांव में इस तरह ही होता है। ठीक है, ये साथ जो है ये कब्रिस्तान, ये दरबार है। तो अभी जो है ना एक इधर ज़िबा कर रहे हैं इस साइड से। देखें साइड भी ये ज़िबा कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं मस्जिद में, उधर जाए। ये मस्जिद है, इधर साथ ही वो ये है। ठीक है, तो अभी जो हम इधर जाते हैं, इधर जो है ना बहुत सारा रश होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। देखें क्या कुछ खाते हैं, क्या ईद नमाज, फिर एक दूसरे से मिलते हैं, और ये एक ईद की बहुत खुशी होती है ना। हाँ वो अभी जो है हम इधर मस्जिद में दाखिल। चलो अभी ये मस्जिद का ये गेट है, अंदर जो है तकरीर हो रही है। ये इधर छोटी दरबार है, फिर इधर भी ज़ियारत कर रहे हैं लोग। अभी जो है ना आदमी ये अभी अभी आ रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा बहुत कम बंदे हैं जरा। देखें अभी ईद नमाज अभी खत्म हुई है, देख कितनी रश है, बहुत ज्यादा। ये देखें अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद नमाज पढ़ ली है, तो अभी ये कब्रिस्तान है इधर साथ ही। तो अभी देखें इस साइड पे बहुत इतनी रश है कि बहुत ज़्यादा। देख लें इस साइड पे अभी बहुत रश था, तो अभी जो है मैं ना उधर से थोड़ा दूर आ गया। सवेर कित चाचू कितने गए हैं, चाचू कितने गए? ये मेरा बेटा है जी। तो अभी जो है थोड़ा रश कम हो जाए तो बाद में हम जाएंगे, क्योंकि बहुत रश ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल बनती है, भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए अभी मेरा जो है दिल भी नहीं कर रहा उधर जाने को। तो देखें ये देखें बैक कैमरे के साथ इतनी रश है, ये कब्रिस्तान है। ठीक है ना, मैं इधर ही कब्रिस्तान में थोड़ा ये नज़दीक ही है ना, उधर इधर बात पड़ी जाती है, और इधर जो है ना मैं थोड़ा इधर आ गया। अभी अभी बहुत ज़्यादा रश है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर आ गया। मैं थोड़ा 5 मिनट जो है ना इधर थोड़ा रश कम हो जाएगा तो बाद में जाऊँगा। अभी जो है इतने बात पड़ी, चल आज लोन तेरी कार गिरनी है।